This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी साजिद दरार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश सियासी पारा हाई हो गया है। कुंडा विधायक राजा भैया की समर्थकों के साथ बैठक के बाद अब एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि असम में कितना सीट बीजेपी को मिलता है देख लीजिएगा। असम की चिंता करें, काशी में क्या होगा वो जनता सोचेगी। मथुरा में हेमा मालिनी हार रही है। पाकिस्तान में बुधवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमान पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। ये भूकंप सुबह 8:26 पर आया है और इसकी गहराई 150 किलोमीटर रही। तेलंगाना के बाबटला जिले के चित्रांगजम से हैदराबाद जा रही एक बस चिलकलूरी पेट के वरीपालेम डोनका में एक टिपर लॉरी से टकरा गई। इस दौरान बस और लॉरी में आग लग गई जिससे 6 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के झुंझुन की कोलिहान खदान की लिफ्ट गिरने से अफरा तफरी मच गई। झुंझुन सरकारी अस्पताल शीशाराम के नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि किसी के हाथ तो किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। वो कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3 राज्यों का दौरा करेंगे। नड्डा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट के पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। यहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं तो पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई में बुजुर्ग दंपति के घर से 2 लड़कियों ने 55 लाख रुपए की आभूषण और महंगे कपड़े चोरी कर लिए। इसके बाद उन्होंने इसे पहनकर रील्स बनाया और पकड़ी गई। चंद्रशेखर बावनकुए ने विजय वडेट्टीवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 20 मई को वोटिंग के बाद लोग कांग्रेस के नेता को अजमल कसाब के परिवार के रक्षा के लिए भेजेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ विवादित बयान मामले में पुलिस ने पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर के खिलाफ एक्शन लिया है। महाराष्ट्र में 4 विधान परिषद सीटों के लिए 10 जून को होने थे चुनाव। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि अगले कुछ महीनों में चुनाव को लेकर नई तारीख की घोषणा की जाएगी। शेयर बाजार की शुरुआत आज हल्की तेजी के साथ हुई है। बाजार में ताकत नहीं दिखा पा रही है लेकिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के हरे निशान में खुलने में कामयाब हो रही है। टीबीओ टेक के आईपीओ के शेयरों ने आज शेयर बाजार में बंपर मुनाफा दिलाकर निवेशकों को खुश कर दिया है। हर एक शेयर पर इन्वेस्टर को 500 रुपए से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। इंडियन सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में छाई रहती है। एक्ट्रेस को महिलाओं के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए और इंडियन सिनेमा में अपने बेहतरीन योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से सम्मानित किया गया है। मनोरंजन के लिहाज से साल 2024 बेहतरीन बीत रहा है। अब तक कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। अब अगले कुछ महीनों में कई और फिल्में आने वाली हैं जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।